हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप बतख पालन करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पानी का सुविधा नहीं है, यानी तालाब वालाब का सुविधा नहीं है, अगर आप बतख पालन करना चाहते हैं लेकिन बतख का जो नॉइस होता है क्वाक क्वाक से आप परेशान हो चुके हो और एक ऐसा ब्रीड ढूंढ रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा शांत हो, अगर आप कम दिनों पर ज़्यादा मीट यानी मांस उत्पादन के लिए बतख पालन करना चाहते हैं तो यकीनन आपके लिए वन एंड ओनली या जो कहे कि बेस्ट ब्रीड जो है वो है मस्कोवी डक्स। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मस्कोवी डक के बारे में, जिसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर चाइनीज डक या चीना डक के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों, ये जो बतख का ब्रीड है ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है, खास करके आपके जो मेल होता है तो मेल का जो वज़न है आपके आपके लगभग 4.5 kg से लेके 6 किलो के आसपास हो जाते हैं और फीमेल जो है वो आपके 2.5 kg से लेके 4 kg के आसपास हो जाते हैं। तो वीडियो पर आपको जो जोड़ा दिख रहा है मस्कोवी डक का, ये प्योर ओरिजिनल मस्कोवी डक है, यानी इंडियन वाला मस्कोवी डक, क्योंकि मस्कोवी डक तो वैसे तो आपके जंगली ही होते थे एक टाइम पर और उड़ने पर काफ़ी माहिर होता है, लेकिन बाद में जब इसका डोमेस्टिकेट हुआ तो थोड़ा बहुत तो उड़ लेता है, उतना ज़्यादा नहीं उड़ पाता। तो मस्कोवी डक जो है आपके बिल्कुल इसका जो अंदाज है ना वो रॉयल तरीके की होती है, जे है दोस्तों राजा महाराजाओं की तरह होता है, धीरे धीरे से सब कुछ करता है, मतलब आपके चलने का बात करें या खाने पीने का, मतलब इसका अंदाज ही अलग होता है। तो मस्कोवी डक दोस्तों एक ऐसा ब्रीड है जो पानी उतना नहीं पसंद करते शायद दूसरे बतख के तुलना की जाए तो इसे हम सूखे एरिया पर भी आराम से पाल सकते हैं, और ख़ास करके अगर मीट के लिए अगर आप डक फार्मिंग करना चाहते हो तो मस्कोवी डक तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये कम ही दिनों पर आपके लगभग 6 से 7 महीने के अंदर ही आपका पूरा जो वजन है इसका है वो देखने को मिल जाता है। और खान पान की बात करें तो वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है आपके, ख़ास करके छोटे टाइप का जो पौधा घास फूस होता है या आपके कीड़े मकोड़े केचुआ हो छोटा मछली हो कुछ भी खा लेता है, धान का भूसा भी हम दे सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं हिचकिचाते हैं। तो मस्कोवी डक देखने में तो खूबसूरत है ही, साथ ही खास करके लोग मीट के लिए ही इसका उत्पादन करते हैं, क्योंकि अंडे प्रोडक्शन की बात करें तो ये बाकी बतख से थोड़ा पीछे है। आपके एक ही बार में मतलब एक ही सीज़न पर लगभग 15-20 अंडे देती है और अंडे को हैच करने के लिए लगभग 35 दिन का टाइम लगता है, और मस्कोवी डक बहुत अच्छे ब्रूडी भी होती है यानी अपने अंडे को खुद ही हैच कर देती है। दोस्तों, अगर बतख के बीमारियों के बारे में बात करें तो आमतौर पर बाकी बतख के ब्रीड पर जितने भी बीमार हमको देखने को मिलते हैं लेकिन मस्कोवी डक उन सब से अलग होता है, इसका जो एंटीबायोटिक है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इसी वजह से ये आराम से ये बीमारियों से बचे भी रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल होता है कि इतना बड़े साइज का बतख है तो खाना भी यकीनन ज़्यादा ही खाएंगे बाकी बतख के ब्रीड की तुलना की जाए तो इसके लिए आपके लगभग थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन दोस्तों इसका जो दाम है वो भी तो ज़्यादा है। अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर एक जूरा जो वीडियो पर आपको दिख रहा है इस टाइप के बतख मस्कोवी डक का एक जूरा का जो दाम है वो 1600 रुपये से लेके 2000 तक है, यानी 1600 से लेके 2000 तक इसका जो दाम है वो अभी है, लेकिन दाम जो है वो ऊपर नीचे होता ही रहता है। दोस्तों, मस्कोवी डक का जो अंडे होते हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज का होता है, यानी बाकी बतख की तुलना की जाए तो उससे लगभग डबल साइज का होता है। और दोस्तों, इस बतख के ब्रीड को लोग ज़्यादा इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, इसे तो सुपर शांत बतख के ब्रीड भी कहा जाता है। यकीन मानिए, आप अगर 10-20 मस्कोवी पालेंगे तो आप थोड़ा दूर में रहेंगे लेकिन आपको एक भी क्वाक क्वाक आवाज़ सुनने को नहीं मिलेंगे, इतना ज़्यादा शांत होते हैं। और अगर हम इसकी तुलना अगर बाकी ब्रीड से करें तब तो वो तो आपको पता ही होंगे कि कितना ज़्यादा शोर मचाती है, तो इसीलिए लोग पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास तालाब वालाब का जगह नहीं है, तालाब का सुविधा नहीं है, अगर आप बतख के जो आवाज़ है उससे परेशान हो चुके हो, अगर आपको ज़्यादा मीट के लिए बतख के किसी ब्रीड चाहिए तो यकीन मस्कोवी डक ही आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है जिसे आप आराम से पाल सकते हैं बिना शोर मचाए बिना पानी के भी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद।